बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जीआईएमएस के मशहूर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट आंत एवं लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सोमन इंडोस्कोपी की सुविधा के साथ अब आपके शहर सिवान में भी। पता है जेपी नर्सिंग होम अड्डा नंबर 3 के पास, अस्पताल रोड। गोपालगंज पुलिस ने 4 दिन पूर्व तालाब से मिले बच्चे का शव मामले में जहां बड़ा खुलासा किया है, वहीं पुलिस ने अपने ही पुत्र की हत्या करने के मामले में कलयुगी माता पिता को गिरफ्तार कर लिया। घटना 19 मार्च को थावे थाना क्षेत्र के एक डिराव गांव की है। मृतक बच्चा का नाम शिवम कुमार है। ये थावे थाना के एक डिरवान निवासी शंभू सिंह का पुत्र था। इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 19 मार्च को मृतक के पिता शंभू सिंह के द्वारा थावे थाने में आवेदन दिया गया है कि उनके पुत्र शिवम की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के द्वारा बच्चे का शव को जब पोस्टमार्टम कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मौत डूबने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के माता पिता से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो मृतक की मां छोटी देवी ने बताया कि उनका बेटा शिवम अक्सर बच्चों के साथ मारपीट और झगड़ा करता था, जिसकी वजह से उनके पति शंभू सिंह डराने की नीयत से अपने बेटे के गले में रस्सी डालकर दबाने लगे, जिससे शिवम की मौत हो गई। इस घटना के बाद शंभू सिंह अपने बच्चे का शव गांव के ही तालाब में फेंक कर बच्चे की डूबने से मौत का अफवाह फैला दिया और थावे थाने में आवेदन दिया कि उनका बेटा शिवम की मौत तालाब में डूबने से हुआ है। एसपी ने कहा कि जिस रस्सी से बच्चे की मौत हुई है उसे बरामद कर मां छोटी देवी और पिता शंभू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों माता पिता को जेल भेजा जा रहा है। गांव के पास में एक तालाब है, वहाँ लापता बच्चे का शव बरामद होता है। हम लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। तीन डॉक्टर की टीम ने इसकी जांच रिपोर्ट दी और जांच रिपोर्ट में आया कि इसकी मृत्यु डूबने से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन से हुआ है, इसकी हत्या की गई है फांसी लगाकर। इसके बाद टीम ने गुप्त सूचना, ग्रामीणों के सहयोग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक के पिता और मृतक की माता को पुलिस की अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में इनकी माता के द्वारा बताया गया इनका बेटा हमेशा अन्य बच्चों के साथ मारपीट करता रहता था और इनके द्वारा समझाने पर ये बात नहीं मानता था। और इसी क्रम में दिनांक 19 मार्च को इन्होंने अपने लड़के को मारा था। इसके बाद इनके पति आते हैं जो शराब के नशे में धुत थे और उनके द्वारा भी बच्चे को मारपीट किया गया और इसको डराने के लिए गले में रस्सी का फंदा लगाकर डराने का प्रयास किया जा रहा था और इसी क्रम में रस्सी दब जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस से के डर से इन्होंने शव को पोखरा में ले जाकर 19 तारीख को ही फेंक दिया था और ग्रामीणों में यह अफवाह फैलाया गया था कि इनके पुत्र का मृत्यु पोखरा में डूबने से हुआ है। और इनके द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना में जो प्रयुक्त रस्सी है जिससे मृतक का गला घोटा गया था उस रस्सा को इनके घर से बरामद किया गया है और इस प्रकार कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। सर, पुलिस को कैसे पता चला कि मर्डर ही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया था और उसके आधार पर ये बात क्लियर हो गई थी कि उसकी मृत्यु जो है वो पोखर में डूबने से नहीं हुई है बल्कि फांसी लगने से हुई है।